आप सेकंड ते सां शेयर थी दी जेको आ सो स्लाइड थर्ड स्लाइड इन दी उन स्लाइड के तमा पढ़ जो तो जी असा जाने सकूं त पूरो लिखल छ है कुछ मा बुधाई तो मा केड़ो ताके सो पढ़नो आ वो बुधा जो एकड़ी हंद है मुझे लैपटॉप स्क्रीन बिल्कुल खराब आ से नजर नहीं दिया मुखे ठीक है जी सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। शेख अयाज सिंध जो एक मायानाज शायर है जै पेंी शायरी के जरिए शऊर दिनों इनकलाब दिनों मानुन के उत्साह दिनों मानुन में अड़े किस्म जी जो को सो इनकलाबी कुवत पैदा कई जैमें वो पाँ पान के समझी सकन पैंजा हक वठण की जो सो तक सग पैदा थी सके अयाज रुजत प्रस्तन खिलाफ रुजत प्रस्त उ हुआ जो तमाम कदीम पुराने अदब के हथी दींदड़ हुआ अदब बराए अदब के माना सिर्फ अदब में को भी समाजी पहलू या जिंदगी के संवार सुधार वारो असान को उनसर उन न हुंदो हुयो उनके ट्रोड़े एक तरक्की पसंद पहलू के अगते वधायो उन पहलू के ही असान डिस्कस करनासे छाकाण त उन पहलू में अयाज जी जो सो कौमियत वाली शायरी भी अची वे थी तरक्की पसंद वाली शायरी भी अचे थी इंसान पसंद वाली शायरी भी अचे थी जैजो एकड़ो पहलू आ जैसे तेज अयाज की शायरी जहाँ टे दौर मना वा एकड़ो शुरुआती दौर एकड़ो जैमें उन कौमियत की शायर कौमी पसंद कौमियत पसंद शायरी कई बो जमहूरियत पसंद शायरी कई टे दौर में उन अची जो सो पाँच मजहब से यानी कि नजरियो तब्दील थो उन नजरिए उन शायरी कई है उन टिन्हीं का टिन्हीं नजरन के अलग अलग पढ़ो वो समझो वो पर अज अस इंसानियत के नजरिए से कहानी जो लेक्चर ठाया मां उन गाली उन के अगत वी वासी शेख अयाज एक इनकलाबी शायर है असा के संदस शायरी में इनकलाबी रंग पुर नजर अचे तो पहले ही शेर है आ महक हवा में मेंदी जी से घोट अचन था घायल थी जे लाल लहू में लेथर जी अज रुत जी रीत निभाएन था शेख अयाज सिंध जो उह मायानाज शायर है जै पेंी शायरी वसीले सुजागी जा दर खुलिया इनकलाब माना तब्दीली जो नारो हयो संदस शायरी में असा भली भित वाकिफ आयो असा जानियो था त अयाज कें मखसूस दौर या खिते जो शायर न बल्कि एक आलमगीर शायर है छाकाण त इंसानी जज्बात न सिर्फ सिंधी समाज वट बल्कि सजे आलम इंसानियत वट आहिन इन करे अयाज जी शायरी में असा के सिंध सा मोहब्बत त न बल्कि सिंध सा अकीदत भरिया केतरा ही मिसाल मिलन था उन सा गदो गद संदस शायरी में आलमी मसलन जी भी उपतार कयल है शायर जदे भी जुल्म दाद ऐं जबर दिसंदो आहे तदे संदस दिल रत जा गोड़ा गाड़ी आहे अयाज वट भी असा के अड़ा केतरा ही मिसाल मिलन था जैमें उन नागासाकी वियतनामी बियन मुल्कन में जदे जदे जुल्म ऐं जबर थियो उनके शायरी के आवाज अंदर में आवाज में रूप में रूप में वर्णायो है ये आखिरी लाइन जो है नजर न पी अचे लैपटॉप से इनके करे मान हिट किया है हाँ इन जो अयाज जो, जो जन्म थो वो ब मार्च ईस्वी 1923 में थो दौर अड़ो दौर आ जै दौर में समाज में तक तमाम घणी तकड़ी तकड़ी तब्दीलू इंदी रन उनते अस गाले अयाज की शायरी से गाले तो उन अयाज जी इन शायरी त यो रंग छो पड़ा छा पाया कड़े रीत उन्हें पान के तब्दील कर समाज के तब्दील करने की कोशिश कई है अज अस अयाज के इनकलाबी शायरी से मुख्तसिर विचार कदासी तो अयाज पैं एहसास जज्बन मन के मांधाण जो जिक्र वस्तार कड़ी रीत किया है अयाज की शायरी में कुछ अड़ा उजाण खी उनके खोले पेश कजे तो इनकलाब इनकलाब गाय इनकलाब गाय धो दिन समाज के लोद साम्राज के ठाहे सो नऊ समाज जो चंगो चए अवाम ही निज़ाम आखिर इनकलाब 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 अयाज की शायरी में असा शुरुआती दौर में उन इश्किया शायरी भी कई पर उन इश्किया शायरी में उन अड़े नमूने से शायरी कई जैमें इस्लाह हो जैमें इंसानी भलाई हो उनमें रुमानियत वो अंसर भी शामिल हो पर उन गोगद गदोगद इंसानी भलाई सो संवार सुधार जो अंसर शामिल हो जैसे कर ही असा समझ में अचे तो उ
इनकलाबियत जो शायर हुयो ऐं उहो तरक़ी पसंद जो शायर हुयो। इन जे करे उन जी तमामु घणी वखाण कई वेंदी आहे अॼु ताईं। शेख अयाज़ हिकु अहिड़े नारे सां सॼे समाज खे लोॾे छॾियो, न रुॻो पाण खे पर हुन सॼे समाज खे लोॾे छॾियो त जीअं उन्हनि खे ख़बर पवे, उन्हनि खे ॼाण हुजे त कहिड़ी रीत असां पंहिंजो पाण खे तब्दील करे सघूं था, कहिड़ी रीत असां पंहिंजे समाज खे तब्दील करे सघूं था, कहिड़ी रीत असां पंहिंजा हक़ वठी सघूं था, कहिड़ी रीत असां पंहिंजे हक़नि खे फुरे सघूं था। इहे अयाज़ जो नज़रियो ई हुयो, नज़रिये हयात हुयो त ज़िंदगी गुज़ारण जो हिकु नओं ढंग हुजे, हिकु नओं रंग हुजे, उन रंग जे ऐं ढंग जे बुनियाद ते पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारजे, जीअं असां ॼाणे सघूं त हक़ीक़त छा आहे ऐं जेको आहे सो नाहक छा आहे। उन दौर में सिंध ते कहिड़ी कहार कया विया। हाणे पाकिस्तान ठही वियो, पाकिस्तान ठहण खां पोइ सिंध ते केतिरा ई ज़ुल्म थिया, न रुॻो सिंध ते पर ॿियनि सूबनि ते बि थिया, पर उन जो जेको आहे सो असर जेको आहे या जेको आहे सो मोट जेका आहे उहा सिंधी समाज तमामु घणी ॾिनी, तंहिंजे करे उनखे असां सिंध चऊं था। ॿोलीअ ते धाड़ा हया विया। हाणे ॿोलीअ ते जेके धाड़ा हया विया मक़सदु हुयो जॾहिं वन यूनिट ठाहियो वियो, वन यूनिट जे दौरान सिंधी ॿोलीअ खे ख़तमु करणु कयो वियो ऐं सिंधी ऐं उनजी जॻह ते उर्दू ॿोलीअ खे आंदो वियो। इन जे करे केतिरनि ई शाइरनि, अदीबनि, कहाणीकारनि, फनकारनि जेको आहे उनजे ख़िलाफ़ु उथी बीठा ऐं ख़िलाफ़ु उथी बीठा बीहण खां पोइ उन सिंध जी वहदत जे लाइ बीठा त जीअं असां पंहिंजी सिंधी ॿोलीअ खे बचाए सघूं ऐं उनखे जेको आहे सो अॻिते वधाए सघूं। सिंध जी वहदत खे ललकारियो वियो हुयो, छाकाणि त सिंध जी वहदत मां इन जे करे चवां थो त उन वक़्त में सिंध खे साबिका सिंध करियो लिखियो वियो, माना अॻूणी सिंध, सिंध खां पाकिस्तान ठहण खां पोइ जी कोन हुई। सिंध जी तहज़ीब जेका आहे उहा 5000 साल क़दीम तहज़ीब आहे, मोहन जे दड़े जी हुजे, मोहन जो दड़ो, हड़प्पा ऐं ॿिया केतिरियूं ई जेको आहे सो तहज़ीबूं आहिनि जेके हिन सिंध सां जुड़ियल आहिनि। उन तहज़ीब खे, उन सिंध खे ख़तमु कोन थो करे सघे, उन सकाफ़त खे, उन रीतुनि रस्मुनि रिवाजनि खे, उन ॿोलीअ खे कॾहिं बि ख़तमु नथो करे सघिजे, जंहिंजे करे सिंध जा केतिरा ई माण्हू जेके हुया, केतिरा ई फ़र्द जेके हुया उहे अॻिते अची विया ऐं अॻिते अची करे उन्हनि सिंध दुश्मन कुवतुनि जे ख़िलाफ़ु जेको आहे सो उथी खड़ा बीठा। सिंध जा केतिरा ई जोधा जवान त मैदान ते लथा ई, पर शाइरनि, अदीबनि ऐं साफ़ियुनि बि पाण मोहियो। शेख अयाज़ उन्हनि में नुमाया इन करे आहे जो संदसि शाइरीअ में जोश वलवलो असांखे नज़र अचे थो, संदसि जोश ऐं वलवलो अहिड़ो जो न सिर्फ़ु उन पाण खे पर जॾहिं जॾहिं जिते जिते बि अहिड़े क़िस्म जी शाइरी थी ऐं जंहिं ॿुधी उन शाइरीअ में उन्हनि माण्हुनि पाण मोहियो ऐं सिंध जी सिंध जे वहदत जे लाइ उथी खड़ा थिया। संदसि शायरी पढ़ण ऐं ॿुधण सां सिंधी सपूत जोश में अची वेंदा आहिनि। तॾहिं त अयाज़ शायरीअ लाइ चयो आहे त शायरी जा रूह खे गरमाए नथी सा मंज़िले मक़सूद खे पाई नथी। शायरी उहा न आहे त जेका हिकु शायरी शायर करे छॾे ऐं उन में को मक़सदु ई न हुजे, शायरीअ में को मक़सदु हुजणु लाज़मी आहे ऐं उहा मक़सद वारी शायरी जॾहिं कई वेंदी तॾहिं ई उहो इंसान पंहिंजे कंहिं मक़सद ते पुॼी सघे थो ऐं उन मक़सद खे हासिल करे सघिजे थो। जॾहिं मक़सद खे हासिल करणो आहे त पोइ पंहिंजी शायरीअ में हिकु अहिड़ो नओं रूह फूकणो आहे जेको माण्हू उनखे पढ़नि त उन में जेको आहे सो पंहिंजो अक्स ॾिसनि ऐं उनखे सम्झनि त हा इहो असांजे हक़ जे लाइ आहे, इहो असां अपनाइणु चाहियूं था ऐं इहो ई सचु आहे। अयाज़ हिकु दौर जो शाइर न आहे, हू जुगनि जो शाइर आहे, हर दौर जो शाइर आहे, हर दौर में हालातनि जे मुनासिबत सां शायरीअ में पाण मोहियो आहे। अयाज़ पंहिंजे शायरीअ जी शुरूआति त रूमानवी शायरीअ सां कई हुई, मां तव्हांखे ॿुधायां, पर अयाज़ जंहिं दौर जो शाइर आहे उहो समाजी उथल पुथल जो दौर हुयो। तकड़ियूं तकड़ियूं तब्दीलियूं सॼी दुनिया में आयूं थिए, उहे तकड़ियूं तकड़ियूं तब्दीलियूं कहिड़ियूं हुयूं? उहे जॾहिं पाकिस्तान आज़ादु पियो थियो त उनखां अॻु वर्ल्ड वॉर टू पुणि लॻी हुई, उन तब्दीलियुनि जे करे अयाज़ ते असर पिया। अयाज़ जेको आहे सो न रुॻो सिंधी अदब पढ़ियो बल्कि हुन फारसी अदब पढ़ियो, हुन अंग्रेज़ी अदब पढ़ियो,
उन फ्रेंच अदब पढ़े उन बिया केतरा अदब पढ़या उन अदब पढ़ण जे करे उन जो शऊर जो वहकरो जको तमाम घणो तेज थी वियो उन सजी दुनिया जी सियासत ते अदब ते उन जी नजर हुई जे जे करे उन जे जको आसो शऊर खा उन जी जका लेखनन में उन जी शायरी में उन जी नसर में वहकरो जको आ वो तमाम तेज आ असा जो उन जो फलसफो जको आ वो बूढ़ो आ इन जे करे अयाज के जको आसो हर दौर जो शायर एक मायनास फलसफी पुणचो वेंदो आहे पाकिस्तान जी वजूद में अचण वक्त शेख अयाज अगते कदम मकसद जारी कयो जे में हो तरक्की पसंदियत जो पायो वेदो तरक्की पसंद एक एड़ो नजरियो आहे जे में मानू पहेंजे एक मखसूस नजरिए के मखसूस नजरियो यो त यो ना है त अदब बराए अदब हो जे सिर्फ उन में लुत्फ अंदोज हासिल कयो वने उन में फहाशी ए उरयानी ए जको आसो इंसानी जज्बन के उभार हो जे न बल्कि इंसानी जिंदगी के संवार जे सुधार जे बेहतर के जे ए बेहतरी जे लाए उनते गलायो वने ए उने जी जको संवार सुधार लाए करे ने एड़ा कदम तरक्की पसंद जा जो अगशु जको पर सिंध में या सिंधी में अयाज ए बियन देश उन जे दौर जे शायर ए अदीबन उनते शुरुआत कर चुका होया ए उनते गलायो होयो शेख अयाज जो चवण होयो त सिंधी अदीब इंसानियत मसावात बेनल قوامیت مادیت غرض غیر مانوس فلسفے حیات کے اشتراکیت تھا سمجھن اشتراکیت کارل مارکس جو ایک فلسفہ ہے جے میں ہن جو یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے تے ایک اڑو فلسفہ جے میں سٹیٹ جکا ہے وہ صرف اور صرف کے جے حقن یا جے کو جے اس پیداوار ہے ان جی لائے جو کو ان جی حقن ان پیداوار جی جو کو سنبھال کندی باقی कुछ न कर उनशरे में मानुन जी सभी जरूरत के पूरो करने कादर थी वे रियासत जो कम मानुन मता हुकूमत करण न हुंदो बल्कि पैदावार जी तंजीमकारी करण हुंदो मानु जेका पैदावार असांजी थींदी उन पैदावार ते उन जो सादर हुंदो उनके कहिड़े नमूने सां हलाइजे ऐं उनखे कहिड़े नमूने सां कजे दरअसल इहा इश्तराकियत जी ख़ुशनसीबी आहे जो हिते ज़िंदगीअ जो हर एक बेहतरीन नजरियो इश्तराकियत सा मंसूब के वेदा यो अयाज जो चवण हुयो अयाज पंज इंकलाबी शायरी वाले दौर में उन रुजत पसंद तोड़े साम्राज्य के खिलाफ शायरी कई रुजत पसंद उहे होया जेके तरक्की दिसण कोन पे चाहन उन तरक्की पसंदन के तमाम घणो जेको सो पोते करण पे चाहियो इन जे करे तरक्की पसंद ए रुजत परस्त अदब जे तजादन इख्तलाफन ते नई सिंधी नवन सिंधी अदीबन लाड़न जो जदोजहद में अहम किरदार अदा कर उन जदोजहद में तरक्की पसंद कुवतू फातह थी उभरू आयो रुजत परस्त मात खाई हुआ छो जो हु पेंजी इफादियत विञाए चुका हुआ जमान मकान सा पान के हम आहंग न कर सकिया फैल बा अमल न रहा उन जो बरक्स नवा तरक्की पसंद अदबी रुझान कामरान कामयाब थी सिंध के नये राह चारों से वी आया इो जहनी फिक्री शौरी इनकलाब आंदो जो अज सिंध सिंधी अवाम अवामी जमहूरी वतन दोस्त इनकलाबी हलचल में उपखंड में यानी कि नंढे खंड में नुमाया हैसियत माने चुका आहिन तरक्की पसंद इस्तलाह मां मकसद मुराद उहो आहे जो समाज जे जामित मशीनरी के मुतहरिक करे उन मां खामियूं नुक्स कढे अगते मथे थी तरक्की जी राह ते वठी वञे उन जे बरक्स रुचित परस्त उनके चेबो आहे जो समाज के उते जो उते रखण चाहे तरक्की ओसर बजाय उनके जो आसो पोते धिकण चाहिंदो हुजे उन जी जाहिरी खत्म करण करे माना उन जी जो तरक्की के जी राह उन में रुकावट बजे अहिड़े उनसर जे खिलाफ अयाज शायरी कई आवाम में शऊर ॾिनो सिंध सिंधियत इंसानियत ते जॾहिं बि ज़ुल्म थियो उन खिलाफ़ मुज़ाहिमत कई आहे तूं चओ न कुझां तूं चओ न लुछा पर तोखां हिकिड़ी ॻाल्हि पुछां तूं कंहिं कंहिंखे ख़ामोश कंदे ऐलान हज़ारे मां न रुगो हाणे अयाज़ इहा शायरी आहे उन्हनि साम्राज्यनि जे ख़िलाफ़ उन्हनि पीरनि वीरनि वॾेरनि कामूरनि जे ख़िलाफ़ उन्हनि जेको आहे सो जागीरदारनि जे ख़िलाफ़ जेके आम माण्हूअ जेके तरक़ीअ जेके तरक़ी याफ़्ता या जेको आहे सो तरक्की जे ख़िलाफ़ आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ अहिड़ी शायरी कई अथई चई तूं मूंखे त चई मां खामोश थी वञा
मन थो क्या पर के 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 खामोश कर दे ऐलान हजारे मन केतरा ही मानु आ हन जक निकरी आया हन ओई अकेलो मान आया सिंध नरगुन आम के कयो पर जदे ओ गाल की त उन सिंध के जको आसो वतन के मतलब जको तमाम घणो मान दिनो तने जदो सिंध देश जे धरती तोते पेंजो शीश नमाया मिट्टी माथे लाया किंजर खा कारूंजर ताई तोके चश्मन चाया गीत भी मूवट तुझा माता पेत भी तुझा भाया मिट्टी माथे लाया इहो आयास जो तरक्की पसंद नजरियो सिर्फ मां इन जे कर चंद तही को कौमियत जो नजरियो ए दो तरक्की पसंद नजरियो कौमियत जो नजरियो इहो आहे तो हन पेंजे कौम के पेंजी सिंध के अवलियत देनी हुई ए उन जे बुनियाद ते उन शायरी कही ए उन शायरी जो मोट में तमाम घणी इज्जत ए एहतराम पुण मिलियो हो ए मकबूलियत मिली हुई या आयाज जो एकड़ो उरूज वारो दौर हो जे भी हन बिन किस्म जी या शायरी कही कि तरक्की पसंद शायरी कही हुई ए बियो कौमियत जे नजरिए ते हन शायरी कही इन बिन नजरियन जे बुनियाद ते आयाज उन जमाने में उरूज ते पुगल हो नरगो उन जमाने में पर अज ताई उरूज ते होतल आए संदस शायरी अज भी उन मकाम ते आए जो असा चौ था सिंध जो वडे में वडो शायर अज भी आयाज आए शाह लतीफ खा पोए आयाज जो सिंध सा इश्क हो उन इश्क में उन पेंजे शायरी सा सिंगारियो मुजाहमत कई सिंध जे जोधन ए जवानन जे जवाला के भड़कायो शायर उ ना है जको आम रिवाजी शायरी करे हुस्नो या हुस्नाकिन ते या महबूब जी जको आसो जुल्फन ए अखियन ते शायरी करे शायर उ आहे जको समाजी हालातन ते शायरी करे जको पांजे कौम जे ला शायरी करे जको पांजे वतन ला शायरी करे जको तब्दीली जे ला शायरी करे जको नवाण जे ला शायरी करे जको तरक्की जे ला शायरी करे पर हते वरी सागे मा कौमियत वारो शेर रखियो आ उ आहे सहंदो केर मयार ओ यार सिंधड़ी के सिर केर न दींदो माना ता यो आम तौर ते गानो भी बुधो हुंदो यो उन जमाने जो शेर आहे जडे सिंध जी वहदत जे खिलाफ सिंध जी वहदत ते धाड़ो हयो वियो उन जे खिलाफ शेख आयाज यो शेर कयो त सिंध जी वहदत खिलाफ केर वची अगते इंदो उन ते केर ओ मयार कोन सहंदो त सिंध के टोड़ियो पियो वने सिंध के खत्म पियो कयो वने ए सिंध जे लाए गलहायो पियो वने आयाज नरगो सिंध बल्कि दुनिया में जिते भी जुल्म दाड़ थियो उन जे खिलाफ आवाज उथारियो आहे नागासाकी ए हिरोशिमा ते जेको कहर कयो वियो उन जे खिलाफ आयाज कुछ हन रीत पंहिंजे शायरी में इज़हार कयो आहे नागासाकी नाह आहे तुंहिंजी आरसी सांभी जातो साह सां भंभट थी सा बाह सियाणो थी साजा अञा वेल वही न आहे जंहिं ते बि थियो जंहिं वक़्तु थियो जंहिं जाइ थियो सो मूं ते ज़ुल्म थियो आहे आयाज़ जो इहो नज़रियो आहे त ज़ुल्म जॾहिं बि थिए जिते बि थिए उहो नागासाकी हुजे उहो वियतनाम हुजे उहो या त उहो लंबा हुजे या अफ्रीका हुजे किथे बि हुजे उहो ज़ुल्म जेको आहे उहो मूं ते थियो आहे छाकाणि तरक़ी पसंद वारो जो नज़रियो ई इहो आहे त इंसानियत खे अहमियत ॾियो इंसान खे सभ खां पहिरियों रखो ऐं इंसान खे ई तव्हां मथां हू मान ॾियो त इंसान खे मान ॾींदो त उन में ई जेको आहे तव्हांजी भलाई आहे ज़ुल्म जबर आमरियत ऐं बरबरीत ख़िलाफ़ आयाज़ अॻु खां अॻु रहियो संदसि नज़रियो हुयो त इंसान सभ खां मथां हो आहे इंसान खे अवलियत ॾिजे इंसानी क़दरनि जो ख़्यालु कजे कांगो जी आवाम दोस्त रहनुमा जे लाइ कुझु हिन रीत चयो आहे आऊं लंबा आहियां सूर्य मथे सच भंजी माउ खे भॼ तोखे सांगो साह जो आयाज़ जी इनकलाबी या तरक्की पसंद शायरी जो मकसद ई आहे इंसानियत खे आला मकाम ॾियणु अॼु चई ॾे अॼु त चई ॾे अॼु त अलल ऐलान मुंहिंजो कोई देस न आहे मुंहिंजो देस जहान जंहिंजो कोई नाव न आहे मां आहियां इंसान आयाज़ धरतीअ इंसान खे अहमियत ॾींदी आहे तरक्की पसंद नज़रिए जो मक़सदु सूंहं सच ऐं इंसान जे अंदर खे उजारणु सां गॾु उन जे मादी ज़िंदगीअ खे बहितर बणाइणु आहे जीअं हू हक़ सच ऐं नाहक में फ़र्क़ु सम्झी सघनि इंसान जी ज़िंदगीअ में मायूसी कढी उनखे तरक़ीअ जी राहुनि ते रलाइणु जीअं हू हक़ीक़त खे सम्झी सघनि तरक़ी पसंद नज़रिए जे अहम ॻाल्हि जा इन ॻाल्हि जा हामी आहिनि त अदीब या शाइर कहिड़ो बि नज़रियो रखंदो हुजे बसि सिर्फ़ु संदसि लिखणियुनि में
लिखणियुनि में तख़लीक़ मां इंसानी ज़िंदगी संवारजे, सिंगारजे, सुहिणी थिए, इंसान खे जीअण जा नवां रस्ता मिलनि, संदनि ज़िंदगीअ में रोशनी अचे ऐं शऊर मिले। तरक़ी पसंद अदब जो ख़ासि मक़सदु आहे ख़्यालनि जी आज़ादी, उन में छिड़वागी, उसूल खां किरियल अदब या नज़रियो न हुजे। ज़िंदगीअ खे सुहिणे नमूने सां सवारणु ऐं सुधारणु संदनि मक़सदु हुजे। इहो ई तरक़ी पसंद वारनि जो नज़रियो रहियो आहे, न कि जेको आहे सो रुजत परसन। रुजत परसन जो सिर्फ़ु नज़रियो इते अची टिकी बीह पियो रहे त इंसान खे रुगो पंहिंजे अदब बराए अदब लुताफ़त जे लाइ, यानी कि हुस्न जे लाइ, ख़ूबसूरतीअ जे लाइ उते ॻाल्हाइजे, उन खां वधीक कुझु बि न हुजे। ऐं उन ते जमूद तारी थींदो आहे, उहो इंसान खे तब्दील करण जी मंशा न पिए रखिया। अयाज़ बग़ावत कई उन्हनि ख़िलाफ़, उन्हनि माण्हुनि जे ख़िलाफ़ जंहिं तरक़ी जी राहुनि ते रुकावट हुआ, साम्राज्य जे ख़िलाफ़, पीरनि बीरनि ऐं जागीरनि जागीरदारनि ऐं कामूरनि जे ख़िलाफ़। अयाज़ इनकलाबी शाइर आहे। अयाज़ जदीद दौर जो शाइर हूंदे बि क्लासिकीअ जी चोटीअ खे छुयो आहे। हाणे हिते मां हिकिड़ी स्टेप इहा ॻाल्हि थो कयां पियो, अयाज़ जदीद दौर जो शाइर हूंदे बि क्लासिकीअ जी चोटीअ खे छुयो आहे। जदीद हाणे अदब में असां जेकॾहिं चऊं था प्योर लिटरेचर में, उहो हिकु टर्म आहे त हर दौर जो अदब जेको हूंदो आहे उहो उन दौर जे लाइ जदीद अदब हूंदो आहे। जेकॾहिं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाईअ जंहिं दौर में शायरी कई हुई त उहो उन दौर जो क्लासिक दौर न, बल्कि उन दौर जो उहो जदीद दौर हुयो। ऐं अयाज़ जंहिं दौर में शायरी कई त उहो अयाज़ जे लाइ जदीद हुयो। हाणे क्लासिकियत खे कीअं पहुतो आहे वञी अयाज़ जी चोटीअ खे पहुतो आहे, त संदसि शायरीअ में असांखे अहिड़ा मोहरक मिलनि था, अहिड़ा मिसाल मिलनि था, ऐं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं मिलनि थियूं जेके अॼु बि जीअं जो तीअं सिंध जे लाइ ॻाल्हाई वेंदियूं। जीअं असां शाह लतीफ़ जे लाइ चवंदा आहियूं त संदसि शायरी में असांखे केतिरा ई अहिड़ा मिसाल मिलनि था जेके ज़िंदगीअ सां अॼु जीअं जो तीअं वाबस्ता आहिनि, जेके उन ज़माने में बि हुया ऐं अॼु बि आहिनि। मिसाल जे तौर ते, दोस्त सदाए सभु को जानी ज़बानी आहे असांजी, कम पए कल पए, या अया शेख शाह जी शायरी आहे जंहिं पंहिंजे ज़माने में चयो हुयो त हर को दोस्त सॾाईंदो आहे पर जॾहिं कमु पवंदो आहे ख़बर तॾहिं पवंदी आहे। हाणे छा सिर्फ़ु उन शाह लतीफ़ जे ज़माने में ईअं हुयो? न, बल्कि जेके असां ॾिसूं था त अॼोके ज़माने में बि ईअं ई आहे, जंहिंमें जॾहिं कमु पवंदो आहे तॾहिं ख़बर पवंदी आहे। क्लासिकीअ जो मतिलबु इहो आहे त हर दौर में नुमाया हुजणु या हर दौर जे हालातनि जी नुमाइंदगीअ जा उहिञाण मिलनि। हिन शहर खे ॾिसो, तोते कावड़ कोह ग़ुलाम नाहे ग़ुलामीअ जहिड़ी कार। हाणे ग़ुलाम ते कहिड़ी कावड़ कबी? ग़ुलाम ते त छो त ग़ुलामीअ खां वधीक गार आहे कोन। असां कंहिंजो नौकर हुजे, उहो नौकर पंहिंजे मालिक या पंहिंजे जेको साहिब खां सवाइ कुझु लफ़्ज़ कुझु ई कोन सघंदो आहे। अहिड़ी रीत अयाज़ उन शइ खे वाज़े करण जी कोशिशि कई आहे, जंहिं मिटीअ ते मरणो आहे तंहिं मिटीअ खे पहिरीं साथ। हर उन इंसान खे हिन जेको आहे सो ॻाल्हि कोशिशि कई आहे, जंहिं मिटीअ ते मरणो आहे तंहिं मिटीअ खे पहिरीं साथ, माना पंहिंजे वतन सां, पंहिंजी धरती सां सभ खां वधीक जेको आहे सो मुहबत कर ऐं उन सां चाह कर। अयाज़ जो हर दौर निरालो रहियो आहे। हुन हर दौर में मुख़्तलिफ़ शायरी कई ऐं नवां लाड़ा आंदा, नई शायरी कई, नवां मोड़ आंदा, हर दौर जी नुमाइंदगी कई आहे। शेख अयाज़ सिंध जे उन्हनि शाइरनि मां आहे जिन तरक़ी पसंदी जी मशाल ॿारी ईंदड़ नसल लाइ उत्साह पैदा कयो। हुन सिंध जे सियासी कशमकश अफ़रा तफ़री वारे माहौल खे पंहिंजी शायरीअ में हिकु ज़िंदह जान करे पेश कयो आहे। शेख अयाज़ जे शाइरनि सिंध जी शायरीअ सिंध जे सियासी समाजी इनकलाबी हालात जो आइनो आहिनि, सिंध जे नौजवान अदीबनि जो रहबर रहियो आहे। शेख अयाज़ उन्हनि आफ़ाक़ी शाइरनि मां हिकु आहे जिन जागीरदारी कदुरनि मुदे ख़ारिज रिवायतुनि जे ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कयो आहे। आख़िर संदसि शेर आहे, आमरणो हर कंहिं माण्हूअ खे, पर हीअं न मरंदासीं साथी, का आग लॻाए वेंदासीं, को ॿारण ॿारे वेंदासीं। शेख अयाज़ पंहिंजे हर दौर में, हर ॻाल्हि में, हर शायरीअ में पंहिंजी शायरी में को न को ॿारणु, को न को मक़सदु सम्झायो वियो आहे, को न को जेको आहे सो आग कान का आग लॻाए वियो आहे। आग इहा त पंहिंजे मक़सद खे तव्हांखे जेकर रसणो आहे त उन जे लाइ तव्हांखे महिनत जिदोजहद करणी रहणी पवंदी ऐं पंहिंजी तरक़ीअ
कि राहुन में का बि रुकावट न अचणु ॾियणी पवंदी. इहो संदसि फ़लसफ़ो आहे ऐं इहो ई संदसि मक़सदु आहे. इन जे करे ई उनखे तरक़ी पसंद शाइर मञियो वेंदो आहे. हा, संदसि शाइरीअ में रोमानवी थी ओञाण असांखे मिलनि था. संदसि शाइरीअ में असांखे क़ौमी किरदार जा केतिरा मिलनि था. संदसि शाइरीअ में असांखे जेको आहे समाजी पहलू बि मिले थो. संदसि शाइरीअ में शाह लतीफ़ जी असांखे जेको आहे तर्क बि मिले थी. संदसि शाइरीअ में ई असांखे केतिरा ई ॿिया नवां मोड़ नज़र अचनि था. न रुगो सिंध बल्कि आलमगीर शाइर इनखे मञियो वेंदो आहे. तव्हां जेको सवाल हुजे त हाणे भले पुछी सघो था. न सर, बसि मूंखे इहो त मतिलबु असांखे जॾहिं लिखणो हूंदो त इहे सभु शयूं लिखणियूं हूंदियूं न. हा हा बिल्कुलु, हाणे इहो ई लिखी थो चयो. हाणे जेको मां हिनखे तव्हांजो मां ठाहिया आहिनि ई अहिड़ा के ठाहिया आहिनि त जीअं आसानी थिए तव्हांखे बि लिखण में बि. ठीकु आहे जी सर. इनशाला सुभाणे मां जेको आहे कंहिं ॿिए मौज़ू सां गॾु तव्हां सां गॾु वेंदुसि. जी सर, थैंक यू. ओके, अलाह हाफ़िज़. अलाह हाफ़िज़.